मिले अभी तक या सिर्फ खाली दिलासे और रबते? और हाँ, अगर आप समझते हैं किसी को सपोर्ट फ्राम जिस तरह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अता की, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये मेरे मालिक की मेहरबानी है। तो आपको पता चल गया कि चलो खैर मियादा को अल्लाह ने ज़िंदगी अता कर दिया, अब इसका हम हिफाजत कर लें। तो उसके लिए अगर मैं अपनी किसी को कहते हैं ना, उसमें ये है कि इन्होंने जो तस्वीर भेजी, बल्कि तस्वीर भेजी, तो उनमें से एक को आइडेंटिफाई किया, मैंने भी किया, मेरे ड्राइवर ने भी किया, जो नज़ाकत बोला उसने भी किया, वैसे वहाँ तो, लेकिन उसके बाद कोई समझ नहीं आ रही कि ना हमें बुलाया जा रहा है कि ये पकड़ लिया इस वाक्य का। तो उसके बाद भी अभी जो मुजरिम है वो गिरफ्त में नहीं आ सके, वो आज़ाद फिर रहे हैं। तो क्या जो गवर्नमेंट है वो अब आर्टिस्टों को भी सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो गई है? आप देखें, उन्होंने नोटिस लिया, उसकी कदर सारी सेंटर में देखी, सेंटर में देखा, जो नोटिस लिया वजीर आला पंजाब ने, वो कदर मेरे दिल में सारी उम्र उनकी रहेगी। अब अमल दरामद जो है ये करवाना बहुत लाजम है, उसके लिए बड़ा गुफनकार मेरे साथ सिक्योरिटी हो, मैं तो अगर ऐसा होता तो पहले रख लेता, लेकिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें इस मामले में। अच्छा खान साहब, अगर गवर्नमेंट कोई इस पर अमल दरामद नहीं करती, आपको सिक्योरिटी जो है सिर्फ बातों के हद तक कहा जाएगा और अमली तौर पर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसके लिए क्या लाए प्रोग्राम्स आइंदा ऐसी जगहों पर ही सिर्फ करना चाहेंगे जहां पर आपको लगे कि ये महफूज है, ये सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, तो जाऊँगा अदरवाइज नहीं जाऊँगा? बिल्कुल सही कि मैं जिस तरह ये 27 को मैंने गवर्नर हाउस में मेरा शो था, वहाँ पर कवाली मैंने जाके परफॉर्म करनी थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आए, तो जब हमें गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं। अगर वो मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, अगर वो मुझे नहीं देते इस क्वालिटी तो फिर भी मैं तो उनमें से एक को आइडेंटिफाई किया, मैंने भी किया, मेरे ड्राइवर ने भी किया, जो नज़ाकत बोला उसने भी किया, वैसे वहाँ तो, लेकिन उसके बाद कोई समझ नहीं आ रही कि ना हमें बुलाया जा रहा है कि ये पकड़ लिया। जो अगर सामान होता, ये देखे मेरे ड्रिंक्स हैं, ये मेरा लॉकेट है, ये चेन है, उस वो डिमांड होती ये उतरवाता, सीधी हिट कर दी मुझे, और जो जा कहने लगा कि मैं पूछ लूँगा, तो ये जो खबर है मेरे लिए ये अच्छी नहीं। मेरे बच्चे सोते हैं नहीं, मेरी बीवी नहीं सोती, मेरे बच्चे नहीं सोते, कोई दरवाज़ा नॉक होता तो मैं फिक्र पड़ जाता है। तो अगर अच्छा मैं कह रहा हूँ, अगर अल्लाह ने हमारी हुकूमत को ये नवाजा है तो कुछ ख्याल करें, उसको भी फ्राहम करें। तो पुकार के छोटी सी बेटी है, हमें तो अपने हस्बैंड को कुछ कर रहा अब अमल दरामद जो है ये करवाना बहुत लाजम है, उसके लिए मुझसे कोई रब्ता नहीं है, मुझसे रब्ता करें। और हाँ, अगर आप समझते हैं किसी को सपोर्ट फ्राम जिस तरह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी अदा की, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ये मेरे मालिक की मेहरबानी है। तो आपको पता चल गया कि चलो शेर में अदा को अल्लाह ने ज़िंदगी अदा कर दिया, अब इसके हम हिफाजत कर लें। तो उसके लिए अगर मैं अपनी किसी को कहते हैं ना टावर के लिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा गुफनकार हूँ, मेरे साथ सिक्योरिटी हो, मैं तो अगर ऐसा होता तो पहले रख लेता, लेकिन प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें इसमें। अच्छा खान साहब, अगर गवर्नमेंट को इस पर करेंगे खुद से कुछ गार्ड रखेंगे या प्रोग्राम्स आइंदा ऐसी जगहों पर ही सिर्फ करना चाहेंगे जहां पर आपको लगे कि ये महफूज है, या सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, तो जाऊंगा अदरवाइज नहीं जाऊंगा? बिल्कुल सही कि मैं जिस तरह ये 27 को मैंने गवर्नर हाउस में मेरा शो था, वहाँ पर कवाली मैंने जाके परफॉर्म करनी थी, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे, तो जब हमें गवर्नमेंट बुलाती है हम जाते हैं, अगर वो मुझे प्रोवाइड करेंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, अगर वो मुझे नहीं देते सिक्योरिटी तो फिर भी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दुख होगा, बाकी अपनी सिक्योरिटी तो मैं रखूँगा, लाजमी रखूँगा। और ये है कि जब चूज़ी प्रोग्राम करूँगा जहाँ पे ये मेले शेले ये नहीं करूँगा, चूज़ी प्रोग्राम क्या करूँगा अपनी सिक्योरिटी के साथ। अच्छा, पहले भी कुछ ऐसे हो चुका, कुछ आर्टिस्टों पर थ्रेट थी और कईयों को तो बकायदा टारगेट किया गया, अगर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती तो आप ऐसा
स्टेप उठाना चाहे। अच्छा इसमें ये भी ऐड कीजिएगा कि फनकार जो है वैसे भी अमन का सफीर होता है, तो आप बहुत सी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर आपने परफॉर्म किया, बहुत से मुल्कों में जाके, तो क्या किसी एम्बेसी ने कोई ऐसी पेशकश की हो कि आपको सिक्योरिटी फराहम की जाए या आप उनकी तरफ मूव कर जाए? जी मेरी बात सुने, पाकिस्तान मेरा घर है, तो घर से तो कोई भी नहीं जाता, कोई आगे कह के घर से निकलो तो कभी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने मुझे बहुत इज्जत की, बहुत इज्जत दी है, मैं उन आवाम का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं की हैं। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और कभी भी पाकिस्तान छोड़ के मैं जाने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान मेरी शान और आन है। और अगर कोई मुझे बहुत सी ऑफर हुई हैं वाइस से इससे पहले भी कि आप इधर आ जाए, ये हो जाए, लेकिन मैं आई नेवर गो, कभी नहीं जाऊँगा अपने पाकिस्तान में। खान साहब, पुलिस में सिर्फ आपके बेटे के साथ SHO जो है वो रास्ते में है खाली, या उन्होंने कुछ तस्वीर आपको दी, किसी की शनाख्त करवाई गई है, या आपकी तरफ से शनाख्त की गई हो कि इस बंदे पे ये बंदा है जिसको मैं वहां पर मौजूद था मौके पे जिसने गोली चलाई, या कुछ इस तरह कुछ वाहिद मिले अभी तक, या सिर्फ खाली दिलासे और रबते ही हैं? रबते हैं, और उसमें ये है कि उन्होंने जो तस्वीर भेजी बल्कि तस्वीर भेजी, तो उनमें से एक को आइडेंटिफाई किया, मैंने भी किया।